ओके स्टूडेंट्स, हमने किया नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट? ठीक है, मैं आपको पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के जो PDF भेजूंगी, आप उसमें से भी कर सकते हैं. और पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को आपने चैप्टर 18 फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय जो हमारे पास वही है SC गुप्ता एंड VK कपूर, ठीक है, उसका चैप्टर 18 में से आपने रन टेस्ट हो गया, मीडियन टेस्ट हो गया, ठीक है, आपके जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं आप चैप्टर 18 को कंसल्ट कर सकते हो. और जो मैंने आपको बुक बताई है एडवांस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, TR जैन की बुक है, MCOM के लिए रेफर करते हैं एडवांस स्टैटिस्टिक्स, उसमें से कर सकते हो. लेकिन कुछ टेस्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, मैंने इसको नोटेड डाउन किया था, थोड़ी जल्दी में नोटेड डाउन किया था, आप इसको फेयर नोटेड डाउन कर लेना, ठीक है. वन सैम्पल टेस्ट ऑफ रन्स का क्या मतलब है कि रन टेस्ट, दिस इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. तो रन टेस्ट क्या होता है? ए टेस्ट फॉर रैंडमनेस ऑफ ऑर्डर ऑफ अक्रेंस. मतलब एक रन क्या है कि आपके पास वो सीक्वेंस है ऑफ आइडेंटिकल अक्रेंसेज फॉलोड एंड प्रोसीडेड बाय द अदर अक्रेंसेज. आप देख रहे हो ये नीचे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं दिखा रही हूँ अभी आपको, ये देखो ये XXX, जब तक वो सेम सीक्वेंस चलती रही तब तक हम उसे काउंट करेंगे वन टेस्ट. जैसे ही उसकी अक्रेंस चेंज हुई, आप देखो OOO, तो दिस इज सेकेंड टेस्ट, ठीक है, फिर अगेन दिस इज थर्ड टेस्ट. मीन्स ए रन इज ए सीक्वेंस ऑफ सेम अक्रेंसेज दैट आर फॉलोड एंड प्रोसीडेड बाय द डिफरेंट अक्रेंसेज, ठीक है. तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो आपके पास देखो ये 7 टेस्ट बनेंगे. पहले आपके पास ये XXX में एक हुआ, फिर 4O आपके पास सेकेंड रन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स और फिर सेवन्थ, ठीक है, आपके पास 7 अक्रेंसेज हैं. सपोज R इज द नंबर ऑफ रन्स, सपोज हम स्मॉल R से नंबर ऑफ रन्स को डिनोट कर रहे हैं. N1 इज द नंबर ऑफ टाइप 1 अक्रेंसेज, N2 इज द नंबर ऑफ टाइप 2 अक्रेंसेज. तो द मीन नंबर ऑफ रन्स क्या निकलेंगे, उसका ये फार्मूला है, ठीक है. मीन नंबर ऑफ रन्स का जो फार्मूला है, दिस इज योर दिस फार्मूला, दिस इज मीन नंबर ऑफ रन्स, ठीक है. इसके बाद है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ रन्स, दिस इज सिग्मा आर. अब जब आपको मीन भी पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता है, तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, दैट इज जेड इज इक्वल टू आर माइनस म्यू आर डिवाइड बाय सिग्मा आर, ठीक है. ये तो दिस इज ऑल अबाउट द रन टेस्ट. ओके, रन का मतलब पता होना चाहिए, RUN, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिकल अक्रेंसेज दैट आर फॉलोड एंड प्रोसीडेड बाय द डिफरेंट अक्रेंसेज, ठीक है. उसके बाद आप एक एग्जाम्पल लो तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा. ये मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया है, ए स्टॉक एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्राइस, ठीक है, इंक्रीज. अ प्राइस इंक्रीज को मैंने प्लस साइन से, डिक्रीज को माइनस साइन से डिनोट किया, ठीक है. और ये 25 बिजनेस डेज के ऊपर हमने लिया, तो हमने टेस्ट करना है कि इसका पैटर्न क्या है. अब ये देखो प्लस प्लस प्लस, जो हम यहाँ पर अगर देख रहे हैं इसको, तो प्लस 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 आपके पास जो है, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. तो आपने यहाँ पे क्या किया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3. तो हमारे पास जो आए R, जो हमारे पास आया 16 रन आए, और प्लस के कितने आए 13, और N2 हमारे पास आए 12, ठीक है. 25 में से हमारे पास ये हैं, तो R 16 है, N1 13 है. N1 13 का मतलब पॉजिटिव अक्रेंसेज जो हैं वो 13 है, और N2 मतलब नेगेटिव अक्रेंसेज 12 हैं. ओके, तो म्यू आर आपने निकाल लिया, आपको फार्मूला पता है, उससे आपने म्यू आर और सिग्मा आर को निकाल लेना है, ठीक है. ये थर्ड पेज, ये दिस इज आपके पास म्यू आर और सिग्मा आर आ गया, आप जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. आपके पास जेड की वैल्यू जो है वो इस फार्मूला में आप पुट करो जेड की वैल्यू, और आप देखो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करके ले लो. और ये आपके पास टैबुलेटेड वैल्यू आ गई, क्रिटिकल वैल्यू आप इसकी टेबल से देख लेंगे. अगर आपकी एक्सेप्टेड जो है, मीन्स टैबुलेटेड अगर लेस देन है क्रिटिकल से, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि रन जो है वो रैंडम है, रैंडमनेस इज देयर, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रन टेस्ट. तो ये आपने रन टेस्ट करना है. इसमें मैंने एक पेज और आपको दिया है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. इसकी डेफिनेशन मैंने आपको जो बताई है, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, कि सपोज वी आर हैविंग x1 x2 x3 अप टू xn, एक रैंडम सैंपल है हमारे पास, मींस कोई भी कॉन्टीन्यूअस पॉपुलेशन से हमने सैंपल ले लिया.
जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है मतलब एक्स, आप अगर प्रोबेबिलिटी ले रहे हो उसकी, वो इक्वल है, राइट। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप ये देखो, इफ़ एक्स वन, मैं इस तरह से डिनोट करूँगी अगर एक्स वन को, ठीक है, इस तरह से डिनोट करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर, सेक इस तरह से एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इस तरह से मैं ऑर्डर डिनोट कर रही हूँ अगर उसका, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो एक्स वन है, एक्स टू जो है वो सेकेंड नेक्स्ट लार्जेस्ट हो गई, ठीक है, एक्स एन जो है आपके पास जो हाईएस्ट हो गई, आप समझ रहे हो, एक्स वन स्मॉलेस्ट और एक्स वन लार्जेस्ट, एक्स टू इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट, देन थर्ड लार्जेस्ट, इस तरह से। तो ऑर्डर ऑफ द स्टेटिस्टिक्स क्या बना आपके पास, कि जो स्मॉलेस्ट है, मीन्स आप असेंडिंग ऑर्डर लिख लोगे अगर आप उसको ऑब्जर्वेशंस को लिखना चाहते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप उसको इस तरह से लिखोगे, दिस इज़ अबाउट व्हाट इज़ द ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता, ठीक है, वो ओरिजिनल वैल्यू ही लेता है एक्स की। तो वैल्यूज इन द ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट इवन इफ द ओरिजिनल वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, ओके। सो दिस इज ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स, ये डेफिनेशन है। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक का डिफरेंस मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि पैरामीट्रिक टेस्ट हमने सारे किए, जैसे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, बट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, वो क्यों डिफर करते हैं पैरामीट्रिक से, बिकॉज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डू नॉट पोजेस एनी डिस्ट्रीब्यूशन, वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन को पोजेस नहीं करते, दे आर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट, उनका कोई पैरामीटर नहीं होता, इसलिए उन्हें हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। पैरामीटर हो भी सकता है, पैरामीटर नहीं भी। तो इसके जो डिफरेंसेस हैं वो आपने चैप्टर 18 से जो है, चैप्टर 18 से बहुत अच्छे से नोट डाउन किया हुआ है, वो आपने नोट कर लिया है, मैं उसकी पीडीएफ भी भेज दूँगी, और आपको अभी बताया भी है डिफरेंस से, एक और पीडीएफ भेजूँगी, आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप एस सी गुप्ता, वीके कपूर के चैप्टर 18 से अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं वहाँ से कर लो, या जो नोट्स मैं आपको दे रही हूँ आप यहाँ से कर लो, ठीक है, मतलब हमारा टेस्ट करने से है। तो 3-4 टेस्ट हमारे इसके बाद हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी, ठीक है।